अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर एनसीआई नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक मेगा सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का आयोजन 4 जुलाई 2022 को किया जाएगा और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, आईसीएपी के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। आइए, आज हमारे साथ एनसीआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबने क्या सब तैयारियां की है। अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाने के लिए हमने देश के हर राज्य से जो स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन है उनके माध्यम से हर सेक्टर के जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे लीडर को हमने निमंत्रित किया है। विज्ञान भवन 1200 की जगह है, लेकिन हमने जब इनविटेशन दिया तो 1800 से ज़्यादा अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और अभी भी फोन आ रहा है कि हमें आना है। तो सहकारिता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग मंत्रालय जो किया और अमित भाई शाह को जो जिम्मेदारी दी, इनके बाद देश में सहकारिता प्रति पूरा विश्वास, श्रद्धा और अपेक्षा जो बढ़ी है इनमें दिखाई देती है और इनको सफल करने के लिए हमारा एनसीआई के पूरे ऑफिसर स्टाफ शुरू से लगे हुए हैं। व्यवस्था के लिए, उनके पास के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए दिन रात मेहनत करके हमने पूरा आयोजन किया है और इस सम्मेलन के बाद पूरे देश में सहकारिता के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन दिया है उनको मंत्र रूप में बदलने के लिए हम कटिबद्ध है और दिशा में काम करेंगे। इस मौके पर किन किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है? अभी नया मंत्रालय बना है तो अभी हम मांग करें उनके पहले लास्ट बजट में सरकार ने काफी सुविधा दी है सहकारिता के लिए। पैक्स को कंप्यूटराइज के लिए अभी जो व्यवस्था सरकार ने की है वो किसानों के लिए एक पारदर्शक और स्पीडी उनके लिए मददगार होगा। बाकी सहकारिता के माध्यम से जिस तरह से नई पॉलिसी बन रही है इनमें हमारा वेबिनार हमने किया था और जो सजेशन आया वो सहकार मंत्रालय को हमने भेज दिया है। सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शकता से काम हो इसलिए सरकार ने भी उन्हें शायद पूरे देश से सबको बुलाया था और पोर्टल पे छोटी से छोटी सोसाइटी अपना सजेशन दे सके इनके लिए आह्वान किया है। मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद पहली दफा सहकारिता क्षेत्र में इस तरह से काम की शुरुआत हो चुकी है। एनसीआई पूरा सहयोग करेगी, जिम्मेदारी लेगी और सफलता के लिए नीचे तक जहाँ पक्ष से पैक्स तक काम करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्या आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए क्या सहकारिता कुछ भूमिका निभा सकती है? जी, सहकारिता ही भूमिका बजाएगी और सहकारिता ही देश को समृद्ध बनाने इनका हिस्सा देगी, क्योंकि आज तक जीडीपी में सहकारिता क्या क्या रोल है, कितना इनका हिस्सा है वो वास्तविक आंकड़े नहीं मिलते थे, लेकिन हमने इनके लिए अलग संशोधन के लिए जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं और वो रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगा तब पता चलेगा सहकारिता का रोल देश की समृद्धि में कितना है और मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।